देखिए, बूलियन अलजेब्रा का अपन एप्लीकेशन देखेंगे। बूलियन अलजेब्रा का मेन एप्लीकेशन होता है स्विचिंग सर्किट को सॉल्व करने में। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ड्रॉ द स्विचिंग सर्किट फॉर द स्विचिंग फंक्शन। इस फंक्शन के लिए सर्किट ड्रॉ करना है, स्विचिंग सर्किट ड्रॉ करना है और फिर इसको रिप्लेस करना है सिंपलर वन से। क्या ये जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट बनेगा, क्या बूलियन अलजेब्रा के हेल्प से उसको सॉल्व करके इसी का सिंपलर सर्किट बनाया जा सकता है क्या? तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसका स्विचिंग सर्किट ड्रॉ करेंगे, उसके बाद बूलियन अलजेब्रा के हेल्प से इस फंक्शन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसका सिंपलर सर्किट निकालेंगे। तो देखिए कैसे इसको निकालते हैं, इसका सॉल्यूशन दूंगा। स्विचिंग सर्किट फॉर स्विचिंग गिवन स्विचिंग फंक्शन, गिवन स्विचिंग फंक्शन इज, इसका अपन स्विचिंग सर्किट बनाएंगे। देखिए कैसे बनेगा ये, यहाँ से करंट पास होगा, ये इनटू में मतलब सीरीज में जाएगा। ये देखिए, ये है एक्स इनटू वाई इनटू जेड, है ना, इनटू में सीरीज में जाएगा, प्लस करने से नीचे आ जाएगा, पैरेलल आ जाएगा। ये प्लस में आ गया, एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पास ये भी प्लस में है, तो ये एक्स प्लस लगा हुआ है, तो ये इसके नीचे आ जाएगा, प्लस वाई पैरेलल में आ जाएगा। फिर ये दोनों से इनटू है, तो इनटू में ये सीरीज में चलेगा, इसके साथ सीरीज में रहेगा ये, और ये क्या है, एक्स इंटू जेड, एक्स प्लस जेड, ये हो गया एक्स और ये प्लस में जेड, ये ऐसे आ गया। इसके पहले वाले वीडियो में भी मैं आपको स्विचिंग फंक्शन से स्विचिंग सर्किट बनाना सिखाया था, आप इसके पहले वाले वीडियो में भी देख सकते हैं। तो इसका जो है स्विचिंग सर्किट ये आया। अब इसको बूलियन अलजेब्रा के हेल्प से सॉल्व करके इसका सिंपल सर्किट बनाएंगे। क्या इतने स्विचेस को ही यूज करना है या इसे स्विचेस की संख्या को कम किया जा सकता है? इसमें स्विचेस की संख्या में कम करके एक सिंपलर सर्किट बना सकते हैं, जैसा करंट फ्लो इसमें होगा वैसे ही करंट फ्लो सिंपलर में भी होगा। देखिए कैसे होगा, इसको सॉल्व करते हैं। अपने पास फंक्शन क्या है, इसको सॉल्व बाय यूजिंग बूलियन अलजेब्रा, बूलियन अलजेब्रा का यूज करके अपन इसको सॉल्व करेंगे। आपके पास फंक्शन क्या है, एक्स एफ एक्स वाई जेड इक्वल्स टू एफ एक्स वाई जेड, तीन स्विचेज है आपके पास, एफ एक्स वाई जेड, तो इसका क्या है, एक्स इंटू वाई इंटू जेड प्लस एक्स इंटू वाई और ये हो जाएगा इंटू एक्स प्लस जेड। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सॉरी, यहाँ पास प्लस है, ये प्लस है, मैं गलती से इनटू लिख दिया। ठीक है, इसको बूलियन अलजेब्रा से अपन सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा, देखिए एक्स इंटू वाई इंटू जेड प्लस, यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देंगे, ये और ये को कॉमन निकाल दिए, एक्स प्लस और ये हो जाएगा वाई इंटू जेड। कहाँ से लिखे, इसको लिखना जरूरी है, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं। इसको आप ना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपको यही मिलेगा, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जेड, आपको यही मिलेगा। ठीक है, फिर क्या करते हैं, देखिए यहाँ से ये हो गया एक्स इंटू वाई इंटू जेड प्लस, इसको एक्स इंटू वन लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो हो जाएगा वाई इंटू जेड। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं वाई इंटू जेड, ठीक है, क्योंकि अपन ए इक्वल्स टू ए इंटू वन लिख सकते हैं इसके लिए। अब यहाँ से फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिए, ये और ये यहाँ से कॉमन निकाले, एक्स इंटू वाई एक्स इंटू यहाँ से, तो ये हो जाएगा वाई जेड प्लस वन और ये हो जाएगा वाई इंटू जेड। कैसे लिखे इसको, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, अब यहाँ पास एक रूल का यूज करेंगे, अपने पास बूलियन अलजेब्रा में एक रूल है कि ए प्लस वन इक्वल्स टू वन होता है। ठीक है, तो ये पूरे को आप ए मानिए, ये ए प्लस वन, ये पूरे को स्विच को ए मानिए, ए प्लस वन इक्वल्स टू यहाँ
वन आ जाएगा, ये हो जाएगा एक्स इंटू वन, ये ए प्लस वन, ए प्लस वन इक्वल्स टू वन होता है। मेरे फर्स्ट सेकेंड वाले वीडियो में आप देखेंगे इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो ये ए प्लस वन इक्वल्स टू वन हो गया और ये हो जाएगा वाई इंटू जेड। एक्स इंटू वाई ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई जेड। ये आ गया सिंपलर वन, सिंपलर सर्किट हो गया ये। इसका आप सर्किट बना दीजिए, ये हो जाएगा ऐसा एक्स प्लस में नीचे आ गया वाई इंटू जेड। ये दोनों सर्किट में का बिहेवियर इक्विवेलेंट रहेगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, बुलियन अलजेब्रा का यूज करके इस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सॉल्व करके सिंपल सर्किट में चेंज किया गया है। इसका बिहेवियर जैसे करंट का बिहेवियर जो इसमें होगा वही बिहेवियर इसमें भी होगा। आप चाहे तो ट्रूथ टेबल से दोनों को चेक कर सकते हैं। मैं अगले दो तीन वीडियो के बाद आपको ट्रूथ टेबल से इसको दोनों को चेक करना भी सिखाऊंगा कि जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है और जो सिंपलर सर्किट है क्या वहाँ करंट का बिहेवियर अलग अलग होता है या सेम होता है। तो इसको ट्रूथ टेबल की सहायता से अपन चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट के थर्ड वीडियो में मैं इसको ट्रूथ टेबल से वेरीफाई करके भी बता दूंगा। अभी फिलहाल ये ड्रॉ स्विचिंग सर्किट फॉर स्विचिंग फंक्शन, ये सर्किट ड्रॉ किए इसके लिए और इसको रिप्लेस कर दिए सिंपलर वन से। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। यदि कहीं कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट करके जरूर पूछेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।